नमस्कार। हम आज हमारे साथ श्लोक चंद्रानी है, जिनका एक बहुत अच्छा गेम हुआ था महाराष्ट्र स्टेट सिलेक्शन में। तो हम देखते हैं, आयुष महाजन के साथ हुआ था जो कि कोल्हापुर से है, बच्चा बहुत अच्छा खेलता है वो भी। सो हम लोग क्विकली गेम विंडो की तरफ जाते हैं। हेलो तो हाय, बोलो। हेलो। तो हम गेम विंडो की तरफ जाते हैं। E4 C6 नाइट एफ थ्री D5 नाइट C3 Bg4 टू नाइट वेरिएशन हुआ था है ना। हाँ, H3 बिशप टेक्स क्वीन इन टू F3 E6। यहाँ पर शायद मुझे लगता है नाइट F6 भी एक बहुत अच्छा कंटिन्यूएशन है, राइट? हाँ लेकिन E6 खेला आपने, बिशप E2। क्या लगा आपको, बिशप E2 कैसा मूव था वैसे? मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। बिशप बी अच्छा, टू क्या खेलना चाहिए था नॉर्मली बिशप ई2 की जगह? अच्छा, इधर, या तो फिर D3 या तो D4। D3 खेलना चाहिए था हाँ, या फिर D4 D4। खेलना चाहिए था। D4 में अगर वहाँ पे बिशप ई2 की जगह अगर D4 खेला तो D का D4 मारा तो क्वीन क्वीन का D4। हाँ, वहाँ पर शायद नाइट इनटू E4 के बाद भी क्वीन D4 वाला मूव जो है वो उसमें भी बहुत सारे गेम्स हुए हैं। लेकिन बिशप ई2 खेला आयुष ने, नाइट F6 E5। यहाँ पर जनरली और भी कुछ वेरिएशंस है, जैसे कि D3 अभी भी खेल सकते हैं, राइट? हाँ, E5 खेला, नाइट FD7 क्वीन G3। क्या सोचा था आपने इस पोजीशन में, कैसे कंटिन्यू करेंगे? मैंने इधर क्वीन C7 C5 फॉलोड बाय नाइट C6 ओके, और लॉन्ग तो कैसल को जाऊंगा। लॉन्ग कैसल थोड़ा सा मुझे ये लग रहा है अभी से, लेकिन हाँ G6 एक अच्छा आइडिया बन सकता था, BG7 और शॉर्ट कैसल के लिए भी जा सकते हैं, ये भी ठीक है। C5 के बाद ये होगा कि हमेशा इस पे टारगेट बन सकता है ना, मतलब हाँ, E5 पॉन जो है वो थोड़ा वीक हूँ। वीक हो सकता है। ओके, यू प्लेड C5, गुड। कैसल्स नाइट C6 F4, क्या कर सकते, क्या आइडिया है एक्चुअली अभी? F4 को F4, मुझे लगा कि वो F4 F5 ब्रेक देने के लिए खेला करके मैंने G6 खेला। अच्छा हाँ, तो यू आर ट्राइंग टू स्टॉप F5, राइट? देन D3 क्वीन C7 क्वीन टू F2 बिशप E7 A4, क्या कोशिश करनी चाहिए आपको इधर ब्लैक से भी? A6, हाँ, ओके। द आइडिया इज कि आप इसको नाइट स्टॉप भी, करने हाँ की कोशिश नाइट कर, भी नाइट फाइव बी को फाइव स्टॉप। और फ्यूचर में कभी रुक B8 और B5 भी जा सकते हैं, है ना? गुड। A6 बिशप टू D2 लॉन्ग कैसल, ये मुझे थोड़ा भी लग रहा है कि शायद इतनी ज़रूरत नहीं थी, बट ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि किंग साइड में मुझे अटैक आ सकता है तो दिस इज़ ओके। रुक Fe1 रुक Hg8, क्या आइडिया है इसमें रुक Hg8 में? मैं G5 G4 वैसा अटैक करना चाहता था ओके क्योंकि चलो, लॉन्ग क्वीन साइड में तो कुछ था ही नहीं मेरे पास, जो भी था किंग साइड में था। अच्छा वेरी गुड। एक्चुअली ये अच्छा प्लान है कि G5 खेलो, क्योंकि इसमें एक्सचेंज करेंगे तो E5 को इशू है और F5 खेलेंगे तो भी उसको प्रॉब्लम है, और अगर वो G3 खेलता है तो फिर G5 ओपन करके हम उसको अटैक कर सकते, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हो। तो ठीक है, किंग H1 G5 बिशप H5, यहाँ पर क्या लग रहा है आपको, इस पॉन को बचाना ज़रूरी है अभी, है ना, राइट? और F6 या F5 खेल के कुछ फ़ायदा नहीं, बिकॉज टेक्स और E6 वीक हो जाएंगे। तो रुक DF8, वेरी गुड। G3, फाइनली वाइट जो है वो नॉर्मली हम मानते हैं कि जब अपोनेंट हमारे प्लान के हिसाब से रिएक्ट करता है तो हम थोड़ा राइट ट्रैक पे हैं, है ना? तो हाँ, नाइट D4 यू प्लेड, आइडिया इज सिंपली टू नाइट टेप। ऑक्यूपाई F5, वेरी गुड। बिशप C1, मुझे शायद लगा कि और डेफिनेटली नाइट D4 में C2 पे भी थ्रेट था, हाँ, तो बिशप C1 क्वीन D8, इसका क्या आइडिया लग रहा है आपको, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं आप अभी? अगर एफ इंटू जी फाइव को बिशप इंटू जी फाइव, बिशप इंटू जी फाइव को क्वीन इंटू जी ओके, फाइव। सो यू आर ट्राइंग टू प्ले टेक्स टेक्स एंड बिशप टू H4, हाँ, राइट? और क्वीन सी साइन पर तो मेरी क्वीन कुछ करने ही नहीं वाली थी करके, क्यों, जहाँ पे मेरा अटैक ज्यादा होगा मैं वहां पे अटैक करूंगा। हाँ वेरी गुड। तो इस साइड आप यू आर ट्राइंग टू क्रिएट काउंटर BG4, देन जी क्रॉस जी F4, क्रॉस F4, बिशप क्रॉस F4, पॉन टेक्स बिल्कुल नहीं मार सकते थे, नहीं बिशप क्यों? H4। बिशप H4 आ रहा है, वेरी गुड। तो BG5 खेला आपने, इसको एक्सचेंज करना ज़रूरी था, क्योंकि
अगर बिशप इंटू जी फाइव मारा कभी भी तो हमेशा फिर से ई फाइव को इशू रहेंगे। हाँ तो ये एक बहुत अच्छा बात था इस गेम में। रुके सी वन, बिशप टू एफ फोर, रुके सी वन, ठीक है सी टू को बचाने की शायद कोशिश कर रहा है आयुष, राइट। और क्वीन एफ फोर खेला, यहाँ पे अभी पॉन टेक्स क्यों नहीं आ रहा था? दोनों ही पोजिशन में ब्लैक मुझे अभी सही लग रहा है, थोड़ा ठीक लग रहा है, राइट। उसका किंग सेफ है, कोई इश्यूज नहीं है, इसके किंग को थोड़े इश्यूज हैं, और जी फाइल ओपन है, थोड़े वीकनेसेस हैं। नाइट डी फोर बहुत स्ट्रांग है, इसका नाइट इतना अच्छा नहीं है, तो ये एक अच्छी बात है। क्वीन जी फाइव, देन रुकी थ्री, रुकी थ्री, एच फाइव, एच फाइव, वेरी गुड। अब इस बिशप को यहाँ से हटाना बहुत जरूरी था, राइट। बिशप ई टू, देन नाइट एफ फाइव, अब जी थ्री पे प्रॉब्लम्स हैं, ई थ्री पे प्रॉब्लम्स हैं, तो डेफिनेटली टेक्स टेक्स। और अभी अगर नहीं मारा होता और रुक एफ थ्री खेला होता तो शायद सिंपली नाइट इनटू जी थ्री आ रहा था ना, तो यार वाइट इज लूजिंग हेवी मटेरियल। तो क्वीन जी फाइव खेला, रुक टेक्स, रुक एफ थ्री, आई थिंक ये एंडिंग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बेटर है, राइट, ऑलमोस्ट विनिंग है। नाइट इनटू ई फाइव, रुक एफ टू, नाइट टेक्स, ब्लैक इज टू पॉन अप। स्पेशली ये पीसेज जो है सी थ्री और सी वन, ये अभी तक गेम में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, और किंग एच टू, डी फोर, यहाँ पर भी एक अच्छा डिसीजन लिया। मुझे लगा कि यहाँ पे ऑलरेडी ये एकदम विनिंग पोजीशन है, नाइट ई फोर, नाइट ई फोर। अब एक बात बहुत अच्छी हो गई कि आफ्टर डी कट ई फोर, ये जो नाइट है ये इस बिशप से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है ना। तो आपको करना ये कि शायद एच थ्री, रुक जी थ्री, ये सब आके, और ये नाइट एक्चुअली एफ सेवन को भी गार्ड कर रहा है, तो यू कैन ट्रांसफर दिस रुक टू जी फाइव, और फिर किंग को लाके एक और काम कर सकते हैं कि क्योंकि उसके पास वाइट बिशप है तो पॉन्स फिक्स कर दो सभी वाइट्स में, वाइट स्क्वायर में। अच्छा, रुक एफ जी एट, देन रुक एफ सी वन, किंग डी सेवन, दिस इज ऑलरेडी विनिंग नाउ, राइट। और रुक इनटू एफ सेवन जैसे कुछ नहीं, नाइट इनटू एफ सेवन, और आप कुछ बोल रहे थे, और आयुष इसमें टाइम प्रेशर में आ गया था अभी। अच्छा, और ये सेकंड लास्ट राउंड था शायद, हाँ तो लास्ट राउंड जीत के अगर आपको पास चांस भी था, हाँ, अगर मैं लास्ट राउंड जीतता तो मैं सिलेक्ट था नेशनल में। अच्छा ठीक है, बी थ्री खेला, किंग ई सेवन, ए फाइव, ओके ये एक ठीक था कि एक्चुअली ब्लैक खुद भी ए फाइव खेल सकता था, रुक एट, जी सेवन, बी डी थ्री। यहाँ पर मुझे लगा था कि शायद ये जो डिसीजन लिया था आपने नाइट इन टू डी थ्री, ये इतना मुझे अच्छा नहीं लगा था एक्चुअली जब मैंने गेम देखा था, बिकॉज इसमें होता क्या है कि आपको जब आप जब भी गुड नाइट वर्सेस बैड बिशप वाली पोजीशन खेलते हैं तो उसमें आपको ये देखना चाहिए कि मेरे नाइट की कितनी वैल्यू है, और वो जो बिशप था डी थ्री पे एक्चुअली वो एक बिग पॉन के जैसे हो गया था। आपको क्या लगा था, क्यों आपने डी थ्री मारा था? अब मैं रुक पॉन एंडिंग में दो पॉन अप था तो मैंने बोला क्यों क्यों रिस्क लू करके, नहीं उसमें रिस्क तो नहीं थी क्योंकि वो नाइट बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग था। तो डेफिनेटली आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जब आपका कोई पीस बहुत ही अच्छी प्लेस पे बैठा है तो उसको नहीं एक्सचेंज करो, और स्पेशली ऐसे पीस से तो बिल्कुल भी नहीं जो एक बिग पॉन के जैसे था वहाँ पे डी थ्री पे। गेम विंडो की तरफ जाते हैं हम क्विकली, आगे का गेम जो हुआ वो आयुष ऑलरेडी टाइम प्रेशर में था, और आफ्टर नाइट डी थ्री, सी कट डी थ्री, एच फोर, देन रुक सी वन, रुक टू सी वन, सी फाइव को थ्रेट है, रुक जी एट, क्या क्या कोशिश कर रहे हैं आप करने की इसको? अगर दूसरा रुक अगर उसने सी टू पे लाया तो मेरी सी फाइव की पॉन, लेकिन आपको लग नहीं रहा है कि अगर रुक सी टू खेला इधर तो रुक सी एट को बी फोर आ रहा है शायद? हाँ, बी फोर को किंग डी सिक्स, ओके किंग डी सिक्स, बट मुझे लग रहा था इससे भी अच्छे चांसेस बन सकते थे बिकॉज आई कैन प्ले रुक सी फोर नाउ, रुक सी सिक्स, टेक्स टेक्स मे बी, और रुक इन टू डी फोर, ये शायद से ये भी बेटर ही है ब्लैक को डेफिनेटली, बट ये चांसेस शायद नहीं क्रिएट करने चाहिए थे। और मुझे लगा कि शायद ये जो मूव है रुक एफ एट, मतलब रुक सी एट, वो थोड़ी पैसिव हो जाएंगी इधर, ज़रूरत नहीं थी उसकी, पर शायद इधर हम और थ्रेट्स क्रिएट कर सकते थे बिकॉज अभी आप सी टू अगर आप मारते हैं तो रुक कट डी थ्री और फिर बहुत सारे थ्रेट्स आ रहे हैं। सो डेफिनेटली रुक एफ सी वन के बाद रुक एफ एट वापस आए, रुक एफ फोर, देन यू प्लेड रुक जी थ्री,
जहाँ पे शायद यहाँ पे रिजाइन किया कि फ्लैग डाउन हो गया था। यहाँ पे टाइम खत्म हो गया था वाइट का, और ये एक अच्छा विन था एक्चुअली। मुझे लगता है कि E5 को टारगेट करना वाज द की, और कुछ कंडीशंस में वाइट ने भी इतने स्ट्रांग मूव्स नहीं दिए बीच में, तो और इम्प्रूव कर सकता है। अंडर 14 स्कूल स्टेट था ये, राइट? हाँ ओके ठीक है। और अभी और कुछ गेम्स हम देखेंगे बीच में, अगर कोई अच्छा गेम होता है इसमें तो और डेफिनेटली मिलेंगे। आपको कुछ बोलना हो अगर इस गेम के बारे में या इसके बाद जो जो गेम हो उस बारे में? अब मुझे मस्विन सिचुएशन थी। लास्ट गेम में हाँ किसके साथ था वो? वो वरद अठालिए 1587। ओके लेकिन आप शायद वो जीत नहीं पाए ना। नहीं वो ड्रॉ ओके हो गई। कोई कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि आपके गेम्स अच्छे हों और डे बाय डे आपका चेस इम्प्रूव होता जाए, राइट? मिलते हैं बहुत जल्दी और कुछ गेम्स के साथ। कभी कभी बच्चों के गेम्स भी मुझे लगता है थोड़े एनालाइज करने चाहिए, ताकि उनको भी एक एक पॉजिटिव बात लगे चेस में कि, और उसको वो सीरियसली लें, ताकि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम लोग हायर प्लेयर्स के गेम्स एनालाइज करें। बाकी सब प्लेयर्स को भी हम लोग ट्राई करेंगे कवर करने की। तो मुझे लगा था कि ठीक था ये एक विन, और भी कुछ अच्छे उसके बहुत अच्छे गेम्स हुए हैं, तो हम देखेंगे बहुत जल्दी।